Hi guys, welcome back to my channel. I am Ria and you are watching Bong Style Beauty. तो आज का जो वीडियो है वो एक चैलेंजिंग वीडियो है, मेकअप चैलेंज वीडियो, जिसका नाम है गूगल पिक्स माई मेकअप चैलेंज. यस गाइस, तो ये जो मेकअप चैलेंजिंग वीडियो है ये शुरू किया था निकी ट्यूटोरियल ने. आई लव हर मेकअप लुक, आई लव हर चैनल, शी इज़ अमेजिंग गाइस. उन्होंने जो मेकअप लुक क्रिएट किया था वो गूगल पिक्स माई मेकअप लुक के ऊपर, वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा. तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी इस चैलेंज को करके देखूं कि कैसा मेकअप लुक क्रिएट होता है. तो गाइस, अगर आपने उनका वीडियो नहीं देखा हो तो मैं आपके अपने डिस्क्रिप्शन में उनके वीडियो का लिंक मैं कर दूंगी, आप देख लेना. तो गाइस, इस मेकअप लुक का जो रूल है वो बहुत ही सिंपल है. हमें अपने फर्स्ट नेम का जो फर्स्ट लेटर है उसे लेना है, और अपने लास्ट नेम का जो फर्स्ट लेटर है उसे लेना है. फिर हमें गूगल में जाके वहाँ पे टाइप करना है अपना फर्स्ट नेम का फर्स्ट लेटर और लास्ट नेम का लास्ट फर्स्ट लेटर. टाइप करने के बाद हमें स्पेस दे के लिखना है लो. तो गाइस, जैसे कि मेरा नाम है रिया सरकार, तो मैं अपने फर्स्ट नेम का फर्स्ट लेटर लूँगी, वो है आर, और मेरा जो लास्ट नेम है वो है सरकार, तो उससे मैं लूँगी एस. तो मैं टाइप करूँगी आर एस स्पेस देके, फिर लिखना है मुझे लुक. फिर सर्च करने के बाद मुझे जो पहला इमेज देखने को मिलेगी मैं उसी को इंस्पिरेशन बनाते हुए अपना मेकअप लुक को क्रिएट करूँगी. तो गाइस, जैसा कि आप देख पा रहे हो मुझे एक बहुत ही कलरफुल सा पिक मिली है, और इसमें जो कार्ड है वहाँ से मैं ग्रीन कलर को लूँगी, और वहाँ पे जो रेड कलर है मैं उसे लूँगी, और इसी से मैं अपना मेकअप लुक को क्रिएट करूँगी. तो देखते रहिए आगे तक. ओके, तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहे. और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कर देना. सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो. तो गाइस, यहाँ पे जो मेरा बेस मेकअप है वो पहले से ही रेडी है, और यहाँ पे मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपने आई मेकअप से. तो आई मेकअप के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ओलिविया का पेन स्टिक. इसे मैं अपने आईब्रो को अच्छे से शेप कर लूँगी, फिर सेम कंसीलर को अपने आईलिड के ऊपर भी प्लेस कर रही हूँ. फिर एक ब्यूटी ब्लेंडर के हेल्प से मैं कंसीलर को अच्छे से ब्लेंड कर ले रही हूँ. उसके बाद मैं अपने ब्लू हेवन UHD कॉम्पैक्ट लेके डैबिंग मोशन में अपने आईज़ के ऊपर अच्छे से प्लेस कर रही हूँ. इससे जो है मेरा कंसीलर क्रीज नहीं होगा. एंड उसके बाद मैं अपने मार्स आई शेडो पैलेट से एक ब्राइट रेड कलर लूँगी, और अपने एक फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश के हेल्प से अपने क्रीज लाइन के ऊपर अच्छे से प्लेस करूँगी और ब्लेंड कर लूँगी. तो गाइस, यहाँ पे मुझे जो पिक्चर मिला है वो मुझे बहुत अच्छा लगा उसका जो. तो अभी मैं सेम कंसीलर को लेके अपने आईज़ के ऊपर एक कट क्रीज क्रिएट करूँगी. गाइस, ये मेरा पहला कट क्रीज मेकअप लुक है. इससे पहले मैं कभी कट क्रीज किया नहीं, ये मेरा फर्स्ट टाइम है. मेरा ये मेकअप लुक आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ नीचे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा. तो अभी मैं सेम मार्स पैलेट से एक ब्राइट ग्रीन कलर लेके अपने आईलिड के ऊपर जहाँ पे मैंने कंसीलर से कट क्रीज क्रिएट किया है वहीं पे मैं उसी ग्रीन कलर को अच्छे से पैक कर लूँगी. फिर मैं एक ग्रीन कलर का शिमर पाउडर ले रही हूँ और अपने मिडिल ऑफ माय आईलिड के ऊपर अप्लाई कर रही हूँ जैसे कि आप देख रहे हो. और इसे अप्लाई करने से आईज़ के ऊपर एक अच्छा सा डायमेंशन मिलेगा. नेक्स्ट मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ नाइका ब्लैक मैजिक लिक्विड आईलाइनर, और इससे मैं एक विंड लाइनर क्रिएट करूँगी, और फिर उसके बाद मैं ऑफ कैमरा फॉल्सीज अप्लाई कर लूँगी. फिर मैं यहाँ पे एक रेड कलर का लिप लाइनर पेंसिल ले रही हूँ और इसे अपने लोअर लैश लाइन के मिडिल तक अप्लाई कर रही हूँ एज अ काजल.
फिर मैं सेम पैलेट से उसी रेड कलर को लेके अपने लोअर लैश लाइन पे स्मच कर रही हूँ। नेक्स्ट मैं सेम ग्रीन कलर को लेके अपने लोअर लैश लाइन के मिडिल से अपने आईज़ के कॉर्नर तक स्मच कर ले रही हूँ। उसके बाद मैं सेम पैलेट से एक वाइट कलर को लेके अपने ब्राउ बोन के नीचे अप्लाई कर रही हूँ। इसे जो है मेरा आई मेकअप और भी कलरफुल दिखेगा। नेक्स्ट मैं अपने सिवाना अल्ट्रा ब्लश पैलेट से एक कॉन्टोर शेड लेके अपने हॉलोज ऑफ माय चीक्स, फोरहेड और जॉ लाइन को अच्छे से ब्रॉन्ज अप कर लूँगी। फिर मैं सेम पैलेट से एक पीची सा शेड लेके अपने एप्पल्स ऑफ माय चीक्स पे अप्लाई कर ले रही हूँ एज अ ब्लश। फिर मैं सेम पैलेट से एक हाइलाइटर शेड लेके अपने फेस को हाईलाइट कर रही हूँ एज यूजुअल प्लेस पे, जैसे कि चीक बोन्स, ब्रिज ऑफ माय नोज, फोरहेड, क्यूपिड बो और चिन एरिया पे। लास्टली मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ग्लैम 21 का एक पर्पल कलर का लिपस्टिक, जिसका शेड नेम मुझे अभी याद नहीं आ रहा। मैं नीचे सारे प्रोडक्ट्स का नेम और शेड नेम नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रखी हूँ, अगर आप चाहो तो वहाँ से चेक कर सकते हो। तो गाइज़ ये था मेरा फाइनल लुक। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ही जाना। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।